उत्तराखंड में हमारा प्रयास रहता है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनको ढंग से उठाया जाए, और ये आपका उत्तराखंड का चैनल है, इसमें आपकी बात को मजबूती से रखा जाता है। और इसी वजह से मैं पौड़ी से करीब 150 किलोमीटर दूर बैजरो में पहुंचा हूं, जहां पे आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि यहां के बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे इन्होंने रैली निकाली है, जाम लगाया है, लेकिन आज तक यहाँ पे जो पौड़ी का प्रशासन है, जिलाधिकारी पौड़ी है या शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं, जो पौड़ी में ही बैठते हैं, जो शिक्षा विभाग के जनपद स्तर के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, और ये आंदोलन काफी उग्र रूप धारण करता जा रहा है। बैजरो की छात्रा हूँ और हमारे यहाँ पर आर्ट्स वर्ग में अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास और हिंदी इंग्लिश के कोई टीचर नहीं है, और कक्षा 10 में विज्ञान के भी कोई अध्यापक नहीं है, जिसके कारण हमें यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। और हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमें अपनी शिक्षा छोड़कर सड़कों में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और हमारी सरकार से मांग है कि हमारी यह मांग पूरी करे, नहीं तो हम आंदोलन करते रहेंगे। सर, हमारे यहाँ कोई भी शिक्षक नहीं है, जिस कारण बेटियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सर, यहाँ लगभग 80% लड़कियाँ पढ़ती हैं, जिनके लिए जिनकी शिक्षा के लिए शिक्षक है ही नहीं है। कैसे पढ़ेंगे यहाँ के बच्चे, कैसे होंगी बेटियाँ शिक्षित? हमारा बिरुफाल का मुख्य केंद्र है, ये पुरानी स्कूल भी है, यहाँ पे जो है कि काफी गांव जुड़े हुए हैं। हमारे आंदोलन के द्वारा एक बात हम वहाँ तक पहुँचाने की, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ये इंटर कॉलेज बिरुफाल, इंटर कॉलेज पाली खाटली हो गया, इंटर कॉलेज ग्रीन हो गया, बाड़ा डांडा हो गया, बैजरो की आप इस टाइम देख ही रहे, तो ये हर स्कूल की परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि मतलब टीचर नहीं है, तो निश्चित एक समय पर ऐसा भी आएगा कि पहाड़ों को, शायद ऐसा हो सकता है कि पहाड़ों को जो है कि कॉर्बेट से, जब गांव के गांव खाली हो जाएंगे तो कॉर्बेट से ही जोड़ा जाएगा सरकार का। हमें तो कई दफ़े ऐसा लगता है कि सरकार की मशा यह है कि पहाड़ों को जितनी जल्दी से जल्दी खाली किया जाए, तो जो है कि कॉर्बेट का विस्तार किया जाए। देखिए, तो ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में जो शिक्षा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर सरकार बिल्कुल भी खरी नहीं उतर रही। कुछ भी सरकार के पास नीति नहीं है कि स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है, ये बैजरों का ही विषय नहीं है, पूरे पहाड़ में इसी तरह की कमियां हर विद्यालय में देखी जा रही है। गवर्नमेंट ने गेस्ट टीचरों को भी हटा दिया, नियुक्तियों का कोई इनके पास स्पष्ट प्रावधान नहीं है। पिछले जो 2012 की नियुक्ति 12 में जो विज्ञप्ति निकली थी प्रवक्ता वगैरह की, उसकी अभी तक भी मतलब तरीके से उनको नियुक्ति नहीं दे पाई है सरकार। तो कह सकते हैं कि सरकार का ध्यान जो पलायन के मूल जो बिंदु है, शिक्षा, रोजगार वगैरह, इन पे है ही नहीं। पिछड़ा आज की डेट में हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र हमसे लगी हुई है। विधानसभा अगर हम बोलेंगे, यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा है, जो कि जोगीमढ़ी के बाद शुरू हो जाती है, उसका बड़ा भूभाग यहाँ से कवर करते हैं। लास्ट विधानसभा क्षेत्र जो इसका रसिया महादेव है, उसका लास्ट पोलिंग बूथ है भुजखेत से वहाँ पर आगे फिर पूरी वो विधानसभा सल्ट की शुरू हो जाती है। अगर आप यहाँ की सड़कों का कंपेरिजन वहाँ की सड़कों से करेंगे, वहाँ के इंटर कॉलेजों का कंपेरिजन यहाँ की सड़कों से करेंगे, एडीबी का कितना पैसा उस सीमांत क्षेत्र में लग रहा है, एडीबी का कितना पैसा इस सीमांत क्षेत्र में लग रहा है, वहाँ पर जिला पंचायत, जिला प्लान के अंतर्गत कितने काम होते हैं, ये भी पौड़ी का एक दूरस्थ लास्ट क्षेत्र है, वैसे ही वो भी अल्मोड़ा का एक दूरस्थ लास्ट क्षेत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो गैप होता है, राजनीतिक गैप, वो वहाँ पर महसूस नहीं होने देते। इसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स डेवलप हुई है। मेरे हिसाब से तो ये कि जब यहाँ के स्कूल में बच्चे नीचे, हम 3 दिन बैठे हड़ताल में बैठे हैं, जो बच्चे भी हम लोग भी बैठे, जो ये टीचर ही नीचे बच्चों पढ़ों के, पहले तुम्हें नहीं बताया था कि बच्चों पढ़ों के बी ओ साहब आए तो उन्हें चल गई, तहसीलदार जी आना चाहिए उन्हें चल गई, कहते शासन नीचे जाना चाहिए, एक हफ्ता टाइम दिया था, एक हफ्ते के बाद हम लोग बी ओ ऑफिस में ताला मार लो, बाकी कहता विभाग में भी कोई नीति नहीं है, किस तरह के ट्रांसफर होंगे, किस तरह की नियुक्तियां होंगी, आप देखते हैं कई पद खाली पड़े हैं, पूरे ब्लॉक में कई पद खाली पड़े हैं, मगर शिक्षा नीति सरकार के पास नहीं है।
पिछली सरकार ने जो अतिथि शिक्षक यहाँ पे लगाए थे, अगर उनको यहाँ से नहीं निकाला जाता तो आज ये आंदोलन और इस तरह का कार्यक्रम करने की नौबत नहीं आती। हम तो ये चाहते हैं कि विद्यालयों में हो खुशहाली, अतिथि शिक्षक करो बहाली। सबसे बड़ा नुस्खा जो हरीश रावत जी ने दिया था, अतिथि शिक्षकों को इस सरकार के द्वारा उन शिक्षकों को हटाया गया, इसलिए ये नौबत आई। और आज अगर अतिथि शिक्षक विद्यालयों में होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है और ऊपर से प्रिंसिपल भी नहीं है और बाबू की पोस्ट भी पूरी खाली है, जिसकी वजह से पूरे स्कूल की हालत खराब है। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, व्यवधान हो रहा है स्कूल में पूरा, और हड़ताल तो चली रही है। पर आज अध्यक्ष साहब ने कहा कि हड़ताल तो अब बंद होगी क्योंकि टीचर आने की संभावना है। अगर टीचर नहीं आते तो क्या करेंगे भाई? फिर हड़ताल में बैठ रहेंगे। पहले दिन जब यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था उसी दिन हमने रिपोर्ट बनाकर सीओ को दिया है और सीओ साहब ने पूरा रिपोर्ट बनाकर इनके जितने भी एप्लीकेशन थे सब मिला करके डायरेक्टर साहब को दे दिया है और डायरेक्टर साहब के लेवल से इसमें कार्रवाई होनी है। और आज जो है शिक्षा माननीय शिक्षा मंत्री के सचिव जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उस लेटर को आपको भेज दें, हम उसमें व्यवस्था करेंगे। कब तक ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी यहाँ पर? ये तो सचिव साहब ने कहा। हमेशा हमारे बच्चों का जो है आठ साइड का बच्चों का हमेशा रिजल्ट खराब रहता है। हम अपने पैसे से जो है विद्यालय में टीचर रखे हुए हैं, पांच पांच साल से हमें विद्यालय के लिए आखिर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो आखिर गवर्नमेंट विद्यालय को सरकारी विद्यालय को बंद क्यों नहीं कर देती है? हमारी समझ इतनी विडम्बन समस्या हो गई कि हम बच्चों को आखिर पढ़ाए तो पढ़ाएंगे। जब हमने इसी तरह करना है तो सरकार बोलते हैं हम पलायन रोकेंगे। पलायन आखिर किससे रोकेगा? पलायन रोकने का मेन मुद्दा तो शिक्षा है, न मेडिकल है, न तो शिक्षा विभाग के पास न शिक्षा है न मेडिकल है। ये बच्चे बैजरों के यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बालिकाएं भी टैलेंटेड हैं, बालक भी टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर निकम्मे हैं तो वो उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, इस क्षेत्र के विधायक सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री हैं, जो वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जो आठ टीचरों की डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। पिछले कुछ दिनों में पिथौरागढ़ में भी किताबों के लिए बच्चों ने आंदोलन किया और अब गढ़वाल के जो बैदरो इलाका है वहां पर टीचरों के लिए आंदोलन हो रहा है। ये सरकार के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है उसके लिए इससे ज्यादा शर्मसार स्थिति कुछ नहीं हो सकती। जागो उत्तराखंड के लिए बैदरो पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।